आज के हमारे वीडियो ऑफ द डे का टॉपिक होगा सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारी एनर्जी की सोर्सेज देखी थी, अब कुछ और सोर्सेज को देखेंगे, जैसे कि आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज सिंपली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपसे कोई पूछे कि पेट्रोलियम क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो मिक्सचर हैं उन्हें हम ज़्यादातर पेट्रोलियम कहते हैं। अब बात आती है पेट्रोलियम गैस की। तो पेट्रोलियम गैस का मेन कंटेंट है ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस का मेन कंटेंट है ब्यूटेन, जो हम घर वगैरह में घर वगैरह में जो हम अपनी गैस वगैरह जलाने में यूज़ करते हैं, वही आपकी पेट्रोलियम गैस, और उसका मेन जो सोर्स है वो है आपका ब्यूटेन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्यूटेन विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड एथेन विच हैज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो सिंपल में LPG जो है उसका मेन कंटेंट है ब्यूटेन, जिसमें थोड़ा सा प्रोपेन और एथेन मिला होता है, और जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके हाई प्रेशर पे लिक्विड में चेंज कर देते हैं। यानी कि पेट्रोलियम को हम पेट्रोल जो गैस जो है पेट्रोल गैस को हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG। इसमें सबसे ज़्यादा होती है ब्यूटेन और थोड़ी थोड़ी प्रोपेन एथेन मिली होती हैं, और इसे हाई प्रेशर से हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं। अब एक खास बात बतानी ज़रूरी है आप लोगों को, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन तीनों ही गैसेस ऐसी हैं जिनमें कोई स्मेल नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। तो जब आपके घर में जो आप ये कहेंगे कि LPG, आपने कहा कि LPG जो है वो हाउस वगैरह में यूज़ होती है, गैस वगैरह में यूज़ होती है, जो खाना वगैरह बनाते हैं हम लोग घरों में उसमें LPG यूज़ होती है, तो वहाँ पे गैस निकलती है तो उसमें तो बदबू आती है। जब गैस निकलती है घर में आपके में लीक होती है तो उधर बदबू आती है, और मैंने कहा कि ब्यूटेन प्रोपेन एथेन तीनों में कोई भी तरह की स्मेल नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम कुछ अलग से आपके केमिकल्स मिक्स करते हैं ताकि इसमें जब ये लीक हों तो इनकी बदबू से हम पता लगा सकें कि ये लीक हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई अपनी आपकी स्मेल नहीं होती। अगर स्मेल नहीं होगी और लीक होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा, इस कंडीशन में बहुत सारी दुर्घटनाएँ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए इसमें अदर से हम अलग से हम थोड़े बहुत इसमें केमिकल वगैरह मिला देते हैं ताकि ये लीक हों तो हमें पता चल जाए। अब हम देखेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेन कंटेंट होता है मैथेन, और इसमें थोड़ी बहुत प्रोपेन और एथेन मिली रहती है। अब हम देखेंगे नेचुरल गैस के यूजेस कि नेचुरल गैस का यूज़ कहाँ होता है। तो नेचुरल गैस का यूज़ जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में होता है, जैसे कि डोमेस्टिक रूप में भी होता है, और साथ में आपने देखा होगा कि CNG वगैरह जो होती है उसका बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ होता है कार वगैरह में। तो नेचुरल गैस इज़ यूज टू थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी होता है, और इसे हम जब कंप्रेस कर देते हैं, मतलब आपने अभी मैंने बताया था LPG को कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज करते हैं, ऐसे ही जो नेचुरल गैस है उसे कंप्रेस कर देते हैं और इसे बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNG, जैसा कि आजकल कार्स वगैरह में यूज़ होती हैं। फिर आती है आपकी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी वगैरह को मैं थोड़ा जल्दी से बताना समझूंगा सही, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? देखिए, जब डैम वगैरह पे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी के बहाव से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर आती है विंड एनर्जी, जो आपके देखा होगा आपने जो पवन चक्कियाँ चलती हैं, जो विंड चलती है, वो जो बड़ी बड़े आपके लगे रहते हैं विंड वाले, उनसे विंड से एनर्जी बनाने को कहते हैं हम विंड एनर्जी। साथ में आती है सोलर एनर्जी, तो सन की जो लाइट आती है उससे जो एनर्जी बनाते हैं हम उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। फिर आती है बायोमास एनर्जी, तो बायोमास एनर्जी कैसे कहते हैं? देखिए, जो एनिमल्स वगैरह के वेस्ट होते हैं उनसे एनर्जी जो हम बनाते हैं उसे कहते हैं हम बायोमास एनर्जी। फिर आती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके ऊपर हमने स्पेशल अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। तो इसमें सारा लगभग क्लियर है, उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना